बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे पहले आज चाकसू के दौरे पर रहने वाले हैं सचिन पायलट। कई कार्यक्रमों में उनकी तरफ से हिस्सा लिया जाएगा। नारी शक्ति के सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करेंगे सचिन पायलट। चाकसू विधायक ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है। राजस्थान से यह अहम जानकारी सचिन पायलट के दौरे को लेकर। चाकसू के दौरे पर आज सचिन पायलट रहने वाले हैं, तो आज चाकसू के दौरे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज रहेंगे यहां पर। कई कार्यक्रमों में उनकी तरफ से हिस्सा लिया जाएगा और इसमें कुछ मुख्य कार्यक्रम है जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधायक ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ चाकसू से संवाददाता कैलाश गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, क्या जानकारी मिल पा रही है सचिन पायलट के दौरे को लेकर? कब यहां पर पहुंचेंगे? क्या कुछ उनके मुख्य कार्यक्रम रहेंगे जिसमें वो हिस्सा लेंगे? जी, बताना चाहूंगा कि पूर्व डिप्टी सचिन पायलट का आज चाकसू दौरा, इसमें सचिन पायलट 12:30 बजे का समय दिया गया था, जिसमें विधानसभा के चलते सचिन पायलट यहाँ 1:30 बजे पहुंचने की बात कही जा रही है। चाकसू में राजकीय बालिका महाविद्यालय का उद्घाटन, उसी के साथ चाकसू में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें महिला संघ में जिसको संबोधित करेंगे, इसके बाद चौक के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल, और क्योंकि इस साल चुनाव होना है तो यहाँ पर उनका पहुँचना, सौगात देना कितना महत्वपूर्ण माना जाए, क्योंकि अब चुनाव है तो सरकार कोशिश ये कर रही है कि तमाम नेता जो हैं वो लोगों के बीच पहुँचे और सचिन पायलट भी आज पहुँचेंगे, तो क्या ये किसी चुनाव की जिम्मेदारी के तहत इसको देखा जा सकता है? जी, बताना चाहूंगा कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट पिछले काफी दिनों से इस साल में राजस्थान में होने वाले चुनाव को लेकर अकेले ही चुनाव मैदान में जुटे हुए हैं। इससे पायलट नागौर के बात करें, पाली की बात करें, इसके बाद चाकसू की बात करें, चाहे टोंक की बात करें, लगातार पायलट आगामी चुनाव को लेकर एक मैदान शुरू कर रखा। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए, तो चाकसू पहुंचेंगे, तमाम तैयारियां उनके आगमन को लेकर पूरी कर ली हैं। विधायक की तरफ से तैयारियों का जायजा भी लिया जा चुका है। नारी शक्ति के सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करेंगे सचिन पायलट।